सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, वेलकम टू डेविल्स लाइफ। तो भाई आज के इस व्लॉग में हम लोग लेने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू ड्यूक 250 का। यस, ये है लेटेस्ट जनरेशन की ड्यूक 250 जो कि अभी भाई रिसेंटली लॉन्च हुई थी। और इसके अंदर हमारे साथ है भाई सागर। भाई आ जाओ, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भाई इस बाइक के बारे में जरा आप मेरे को एक अच्छा सा रिव्यू दो, अच्छा बुरा जो भी मतलब आपको लगता है इस बाइक के बारे में, वो ऑडियंस जानना चाहेगी इस वाले व्लॉग में। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये बाइक आपने कब परचेस करी थी? ये मैंने धनतेरस पे ली थी। धनतेरस पे ली थी, बहुत बढ़िया, शुभ दिन है भाई। तो भाई एक बात और बताओ, ये बाइक आपको पड़ी कितने की थी? 275-276 कुछ पड़ी थी। 275-276 मतलब 2.5-3 लाख रुपए में आप ये बाइक घर ला सकते हो। इस बाइक में कलर ऑप्शन यही अवेलेबल है या फिर और भी कलर्स अवेलेबल? एक और आता है व्हाइट और ऑरेंज, वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मतलब ये वाला जो ऑरेंज और ब्लैक कलर है बढ़िया है। अच्छा, इसमें ब्लू शेड भी मेरे को दिख रही है यहाँ पे ना, ये ब्लू शेड है, ये ग्रेश ग्रे ब्लू सा लगता मतलब है। कुछ ऐसे डिफरेंट सा कलर आ रखा है इस वाली ड्यूक में। इसकी जो लुक आप देखोगे पिछले वाली ड्यूक से अलग है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा सा लुक दे रखा है। जो इसके साइड फेंडर बोल सकते हो आप, ये थोड़े से बाहर निकल रहे हैं जो कि प्रॉपर नेकेड लुक दे रही है इस बाइक को। तो भाई आपने बाइक अभी तक कितनी चला लिया? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर, कोई परेशानी आई मतलब बाइक को चलाने में या बिल्कुल बढ़िया स्मूथ परफेक्ट? परेशानी है इसके इश्यू में, परेशानी है कंटेंट इसका जो इसका थ्रॉटल है उसमें कुछ इश्यू है। अच्छा, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अपडेट आएगा, अभी तो इनके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है अवेलेबल इंडिया में, तो मुझे लगता है वो अपडेट में ठीक हो जाना चाहिए। क्योंकि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, ये अपने आप क्या होता है कि ये रेस जैसे खड़ी गाड़ी में ऐसे अपने आप थ्रॉटल दी जाती है अपने आप बाइक। इवन आप इंजन गर्म हो जाता है उसके बाद भी ऐसा होता है चलते हुए, ये कभी कभार होता है कभी नहीं। अच्छा, होता है, देखते हैं शायद अभी, अभी हो। अगर कुछ हो तो नहीं अभी नहीं, नहीं। चलो ठीक है। तो भाई ये भी एक इश्यू है जो कभी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस बाइक में कोई अलग फीचर्स जो कि पहले वाले वेरिएशन से मतलब पहले वाले वेरिएंट से इस वाले वेरिएंट में कुछ डिफरेंस आपको लगा? एक तो इसमें LC4C इंजन आया है जो नया ड्यूक का निकला है, 390 और 250 में ही आया है, तो इसमें स्मूथनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने पिछला वाला वेरिएंट चलाया ड्यूक 250 का, उसमें वाइब्रेशन थोड़ी है। अच्छा अच्छा, तो उसके कंपैरेटिवली ये बहुत स्मूथ है, ठीक है। और प्लस इसमें पहले 250 में पहले क्विक शिफ्टर नहीं आता था, अब इसमें क्विक शिफ्टर प्लस है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों हो जाते हैं बिल्कुल। और जो कि बहुत ज्यादा ही स्मूथ है, आप 2000 RPM पे भी अगर आप शिफ्ट करेंगे बिना क्लच के तो वो हो जाता है। सही बात है। और इसका जो टायर साइज है, टायर साइज क्या है इसका? आगे 110 है, पीछे 150 है। ठीक है भाई, देखने की जरूरत नहीं है, भाई को फुल नॉलेज है इस बाइक के बारे में। 110 और 150। तो भाई टायर की परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी? बहुत बढ़िया, लीन करने में बेटर है। मेरे पास एक्चुअली R15 है इसके अलावा। अच्छा अच्छा, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें आता है लीन करते हुए। मतलब आपको लीन करने की तो फुल प्रैक्टिस होगी R15 है तो यार बहुत सही। तो इसका आपने टॉप स्पीड कितनी लगाई है इस बाइक की? अभी तो न्यू है प्लस ECU का अपडेट वगैरह है नहीं, तो मैंने 100 से ऊपर नहीं चलाई है। 100 से ऊपर नहीं चलाई है, और भाई चलानी भी नहीं चाहिए जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं होती है, या फिर अगर कोई इश्यू है जब तक इश्यू रिजोल्व नहीं होता तो ज्यादा बाइकों को खींचो मत। बाइक एक बहुत प्यारी मशीन है, उसको जितने प्यार से रखोगे उतना आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देती रहेगी। तो इसका जो रेडिएटर है भाई, रेडिएटर इसका थोड़ा कर्वी है। हाँ हाँ, ये भी नया करवा रहा है। अच्छा, पहले वाले में कर्व नहीं आता था? नहीं आता था। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ा होगा या पड़ा है? पता नहीं, हो सकता है कुछ कूलिंग बेटर करने के लिए। अभी एक्चुअली बाइक इतनी चली है नहीं तो इतना इसके बारे में अभी रिव्यू नहीं दे सकते। इसका जो हेड है, हेड की शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट है, पूरी नहीं थोड़ी सी डिफरेंट है, रिजेंबल करती है पुराने वाले वर्जन को। राइट राइट, ठीक है ठीक है। और LC4C इसमें आपको इंजन देखने के लिए मिलेगा, पीछे इसमें मोनोशॉक है। हाँ, अच्छा, मोनोशॉक है जो ऑफसेट दिया है इस बार। ऑफसेट दिया, मैं भी वही देख रहा था, मेरे को पहले लगा कि दोनों साइड होगा, बट ये बहुत दिया है। बहुत बेटर कर दिया है कंपनी ने इस चीज। अच्छा, क्योंकि इसका जो ट्रैवल है वो बढ़ जाता है, सीट के नीचे जो होता है वो छोटा सा ट्रैवल होता है, इसमें ट्रैवल ज्यादा है, तो सॉफ्टनेस भी है इसमें। जैसे आप नॉर्मल सिटी राइड्स करते हैं तो सॉफ्ट भी बहुत लगता है, एक नॉर्मल स्प्लेंडर की तरह लगती है। अच्छा अच्छा, और स्पीड में अगर आप चलाते हैं तो बम्प्स वगैरह पे बहुत हार्ड भी हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस पूरा देता है। ठीक है ठीक है। तो भाई एक बात मैं आपको बोलूंगा, जरा एक बार बाइक के ऊपर बैठ के दिखाओ, बाइक की जो सीट है, सीट हाइट कितनी है? आपकी हाइट कितनी है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरी हाइट 5'6" है और ये 800 mm है। हाँ हाँ, सीट हाइट सीट हाइट मैंने इसीलिए ही लिया था, ये भी एक रीजन है कि इसमें मेरे दोनों पैर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको आगे पीछे करने में मुझे काफी सही रहता है। अच्छा, मतलब रहता वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सीट वगैरह में? नहीं। ठीक है, और इस बाइक में फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? इस बाइक में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो नया कर दिया, थोड़ा बड़ा है। एक बार जरा
सॉरी इसके बाद जरा चालू करके देखो, फर्स्ट सबसे पहले इसका देखते हैं वेलकम स्क्रीन, बिल्कुल बढ़िया, रेडी टू रेस KTM। हाँ भाई बताओ क्या करते हैं आप। तो इसमें डिस्क्रिप्शन काफी सारी, एक ही टाइम पे सब कुछ दिख जाता है यहाँ पर। आपका ये इंजन टेम्परेचर है, ओडोमीटर, ABS, गियर, टॉप स्पीड, RPM, इसके अलावा वार्निंग साइंस भी आ जाते हैं, ट्रिप आता है, एवरेज स्पीड, और ये कंजम्पशन है आपका, कितनी माइलेज आ रही है, कितने टाइम से ये ट्रिप चल रहा है, कितने घंटे हो गए आपको बाइक चलाते हुए, काफी कुछ है। उसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए यहाँ बटन्स दे दिए हैं, ये बड़ा फैंसी लग रहा है। सही बात तो है। वरना जो होते हैं वो मीटर के यहाँ बटन दिए होते हैं, बाइक रोक के आपको ऐसे चलाना पड़ता है। और ये बटन्स का भी आई थिंक डिजाइन थोड़ा चेंज करा हुआ है ना, पहले ये डिजाइन नहीं आता था। प्लस इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा और एक और बात, ये इल्यूमिनेटेड बटन है, मतलब इसमें लाइट जलती है, रात को नोटिस करा? ये मैंने नोटिस नहीं करा। तो ठीक है भाई, इस बात को भी जरा नोटिस करना, क्योंकि अगर थोड़ी लाइट जलेगी एक प्रीमियम फील आता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सीट कंफर्ट कैसा है इसका? सीट स्टिफ है? स्टिफ है, इतनी भी स्टिफ नहीं है। लाइक आप अगर टूरिंग के पर्पज से कंपेयर करेंगे दूसरी बाइक्स को तो कुशनिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट हाँ नॉट एन इशू, आप 300 किलोमीटर आराम से कर सकते हो। मैं इस पे कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हरिद्वार जाना आना कर चुका हूँ, वन गो में गया था, मुझे रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है भाई, बहुत। प्लस मेरे साथ पिलियन भी था। अच्छा पिलियन भी था। और हरिद्वार भाई एक बात बता दूं, दिल्ली से लगभग आप लगा के चलो 250-300 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस भी नहीं है, ठीक ठाक डिस्टेंस है। वन गो में जाना अलग ही अचीवमेंट है भाई। और मेरे को एक चीज इसकी लगी, इसका जो एग्जॉस्ट है थोड़ा मेरे को बाहर की तरफ लग रहा है, तो भाई इस पे आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस पे पत्थर वत्थर लगेंगे या ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ये इशू नहीं लगता है, क्योंकि अब कंपनी ने जो है पुराने वर्जन से ग्राउंड क्लियरेंस इसकी थोड़ी बढ़ा दी है। अच्छा, कंपनी क्लेम करती है शायद 176 या 180 कुछ ग्राउंड क्लियरेंस है, तो पहले से ज्यादा ऊपर है। अच्छा, तो इतना इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी R15 भी है, उसमें भी कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं ट्रिप्स पे भी गया हूँ, अंडरवेली कभी टूटी नहीं है टच होके कुछ। ठीक है, और इसकी अभी तक सर्विस हुई नहीं है ना? फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस हो गई है, कितने किलोमीटर पे हुई है ये? 900 किलोमीटर पे मैंने सर्विस। 900 किलोमीटर पे। और चार्जेस क्या आए थे सर्विस के? चार्जेस इसके 1700 कुछ थे, उसमें आपका इंजन ऑयल था और ऑयल फिल्टर था और चेन लूप। अच्छा अच्छा, मतलब 1700 आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया है, इकोनॉमिकल है, जेब पे भी थोड़ा हल्का है। बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली 1700 में जो इन्होंने इंजन ऑयल डाला है वो मोटुल का 7100 है, जो फुली सिंथेटिक होता है। बातचीत, क्या बात है, 8000 किलोमीटर चलता है। ओरे वाह वाह वाह, सही है। और हीटिंग इशू इस बाइक में कोई हीटिंग इशू आपको मतलब मिला? अभी तो सर्दियां हैं तो हीटिंग इशू मुझे सच नहीं पता लगा है। अच्छा। गर्मियों में पता लगेगा। चलो भाई उसका भी वेट करते हैं, जैसी गर्मी आएंगी भाई से रिव्यू लेंगे। हीटिंग इशू इस बाइक में है या नहीं है? इसकी टेल अगर आप देखोगे तो भाई टेल भी बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पे एक टी टाइप का एक कुछ आपको एक लोगो दिखने के लिए मिलेगा, ये देखो। ओहो ब्रेक लाइट, बहुत सही। और इसकी जरा मैं आपको एक बार हेडलाइट दिखा दूं कि ऑन करते हैं। सबसे पहले इसकी एक बार की भी मैं आपको दिखा दूं, KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी बहुत बढ़िया वाली, कि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे उसको, जैसे ही ऑन करेंगे ये देखो भाई, ये आ गई इसकी लो बीम। एक बार इसकी हाई बीम ऑन करना, लो बीम इसकी ऊपर है, हाई बीम इसकी नीचे है। परफॉर्मेंस लाइट की? लाइट में ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छी नहीं है। नहीं है? ओके है, काम चलाने लायक है, ठीक है। अगर हाईवे पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो इसमें विजिबिलिटी बहुत कम है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा, मतलब आपको एडिशनल लाइट्स लगवानी पड़ेंगी, लगवानी पड़ेंगी लॉन्ग ट्रिप वगैरह मारते हो तो, ठीक है। और ब्रेकिंग कैसी है भाई इस बाइक की? ब्रेक बाइट इसकी बहुत अच्छी है, बाकी बाइक्स की दो ब्रेक्स और इसकी एक ब्रेक बराबर है। क्या बात है, तो भाई बहुत बेटर है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक है इसका, ठीक है। ब्रेक भी भाई, जो इसकी डिस्क है, डिस्क भी आप देखो डिजाइन बिल्कुल ही अलग डिजाइन दे रखा है कि नहीं? बिल्कुल। इसमें क्या आपको मतलब कुछ डिफरेंट लगता है इस वाली डिजाइन में और पिछले वाले डिजाइन में? जो इसमें बीच में कनेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे मतलब जो कनेक्शन होते हैं वो हटा रखे हैं? पहले कनेक्शन यहाँ पर हुआ करते थे इधर अंदर को, अब ये डिस्क का साइज बड़ा कर दिया है, इससे वो कहते हैं कि हीटिंग इशू, डिस्क गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं, और डिस्क की लाइफ ज्यादा रहेगी क्योंकि डिस्क का ट्रैवल, सर्विस एरिया बढ़ गया उसका, तो मतलब गर्म ज्यादा नहीं होगी इतनी। और ये जो इसकी ABS की प्लेट है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। और भाई इस बाइक के बारे में आप कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ आपको मतलब बताना चाहोगे व्यूअर्स को? एडवांटेज इसकी रिफाइनमेंट है, बहुत स्मूथ है, लाइक आप इसको प्यार से चलाओगे तो स्प्लेंडर की तरह चलती है, आपको बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं देती है, और भगाओगे तो इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, चलो ये भी एक बढ़िया फीडबैक। ठीक है, तो भाई इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा भाई। ठीक है, तो भाई व्लॉग कैसा लगा मेरे को बताना जरूर
कमेंट सेक्शन में बताना भाई अगर आपको ऐसा ही कुछ और भी व्लॉग देखने के लिए चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, डेविल्स लाइफ।